नमस्कार प्यारे बच्चों, अब हमारी एचएसएससी की नेक्स्ट करंट जीके की क्लास है। आज का टॉपिक है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त आयुक्त वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार। राजीव कुमार प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन 1950 में। सुकुमार सिंह प्रथम महिला वीएस रमैया प्रथम महिला चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी वीएस रमा देवी। इसका जो कार्यकाल होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है इसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। जिसकी आयु या तो 65 वर्ष हो चुकी हो या फिर 6 वर्ष। इसका वेतन वही मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है 3,25,000 3,25,000। इसकी स्थापना यह एक स्थायी निकाय होता है संवैधानिक निकाय है। स्थायी संवैधानिक निकाय है इसकी जो स्थापना हुई है 1950 में 25 जनवरी 1950। इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है अनुच्छेद 324 लोक के तहत। इसकी जो नियुक्ति है वो 324 लोक के तहत राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, इसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा संसद के सहयोग से। संसद ऑप्शन में है तो संसद भी सही है। अगर राष्ट्रपति ना आए संसद आए तो संसद भी सही है। इसका कार्य क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त का? ये क्या करता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति और राज्य की विधानसभा राज्य की विधानसभाओं और उपराष्ट्रपति के लिए निष्पक्ष चुनाव होता है। इसके मुख्य चुनाव जो आयोग होता है उसमें 3 सदस्य हैं। एक तो आयुक्त हो गया राजीव कुमार, इसमें 3 सदस्य होते हैं, 2 अन्य और 1 मुख्य। एक इसमें अरुण गोयल है, एक अनूप चंद्र है। अनूप चंद्र है और अरुण गोयल है।
दो अन्य और एक मुख्य। अभी मुख्य जो चुनाव आयोग है इसने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है, बढ़िया क्वेश्चन। मालाबार, नौसेना, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन किसने किया? यह किया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इसका आयोजन किया और इसमें कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश कंट्रीज हैं? इंडिया, जापान और यूएसए। इस अभ्यास में इंडिया, जापान और यूएसए।